मैंने अपनी और अपने हस्बैंड की बचपन से लेकर अब तक की जर्नी की पिक्स लगाई हैं और उसे मैंने बेस्ट ऑफ मटेरियल से बनाया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहां से क्या मटेरियल यूज़ किया है और उसे कैसे बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए मेरी एल्बम का फ्रंट लुक। और ये है उसका बैक लुक। ये एल्बम मैंने वेडिंग कार्ड से बनाया है। हम सभी के घर में वेडिंग कार्ड्स आते हैं और उन्हीं वेडिंग कार्ड से मैंने इस एल्बम को बनाया है। कुछ वेडिंग कार्ड्स हैवी वेडिंग कार्ड्स आते हैं जिनमें इस टाइप के पीसेस सेंटर में लगे हुए होते हैं। तो ये दो पीसेस मैंने फ्रंट और बैक दोनों के लिए यूज़ किए हैं और जितने भी इसके अंदर मैंने पेपर्स लगाए हैं वो सब मैंने वेडिंग कार्ड्स से ही लिए हैं। और ये पूरी एल्बम मेरी वेडिंग कार्ड्स से ही बनी है। इसमें मैंने ये जो स्टार्स लगाए हैं डेकोरेशन के, ये नॉर्मली किसी भी जनरल स्टोर पर मिल जाते हैं। ये इस टाइप के स्टार्स आते हैं जिनसे मैंने इसको डेकोरेट किया है। और ये भी शादी के कार्ड में से मैंने निकाला है और इस पर भी मैंने ये स्टार्स यहाँ चिपकाए हैं। ये भी मैंने स्टार्स चिपकाए हैं वाइट वाले। और ये है प्यारा सा बटरफ्लाई। ये मेरा एक हेयर रबर बैंड था जो टूट गया था, तो मैंने उसको यहाँ यूज़ किया है। और जो ये मेमोरीज है, ये मैंने इस टाइप की फॉर्म शीट्स आती हैं मार्केट में, उससे मैंने कटिंग करके बनाया है। अंदर के जो पेपर्स हैं ये सब भी मैंने वेडिंग कार्ड से लिए हैं और मैंने इन सबको इक्वली काट लिया है जितना मुझे साइज चाहिए था। और काटने के बाद मैंने जो ये पंचिंग मशीन होती है उससे मैंने यहाँ होल किए हैं ताकि मैं सारी पेपर को अच्छे से लगा सकूं। और मैंने सारे पेपरों पे मैचिंग के कलर टेप लगाए हैं, उस टाइप के मैं मार्केट से लाई थी जिन्हें मैंने डेकोरेट करने के लिए लगाए हैं। तो ये मेरी जो एल्बम है सिर्फ और सिर्फ वेडिंग कार्ड से ही बनी है और मैंने इसे थोड़ा सा डेकोरेट किया है। तो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने एक कार्ड बनाया है जिसमें मैंने लिखा है वेलकम। यहाँ मेरे मम्मा पापा की पिक्स है और मैंने उनके लिए एक मैसेज भी लिखा है। उसके बाद ये भी मैंने फॉर्म शीट से बैलून्स बनाए हैं। और ये जो हैप्पी बर्थडे थीम मैंने डाली है, ये हम लोगों के बर्थडे पे जो केक्स आते हैं और उन पे जो हैप्पी बर्थडे प्लास्टिक में लगा हुआ आता है उसको मैंने सेपरेटली अलग कर करके यहाँ पे यूज़ किया है। और ये मेरा भाई है जिसका मैंने सबसे पहले लिखा है क्योंकि वो मुझसे पहले आया था। उसके बाद मैंने अपना बर्थडे मेंशन किया है। और मैंने सारी जो पिक्स हैं उस पर सेल्फिन लगाई है। अगर आपके पास सेल्फिन नहीं है तो आप लोग आजकल साड़ियों में, शॉर्टों में पॉलिथिन्स आती हैं ट्रांसपेरेंट, वो यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी पूरी फैमिली है
और ये उनकी पूरी फैमिली है। एक्चुअली इनकी फोटो मेरे पास कम थी तो मेरे को जितनी मिली मैंने उतनी ही यूज की हैं। और ये सब कैमरे की फोटोज हैं, मेरे पापा ने खींच रखी थी पहले से। ये राखी भी मैंने बनाई है। ये वाली भी मेरी स्कूल पिक फैंसी ड्रेस। ये भी शादी के कार्ड में आया था तो मैंने इसको यूज कर लिया। ये मेरे स्कूल डांस की पिक है। ये मेरे रिलेशन में पहली शादी थी तब मैंने क्लिक करवाई थी। ये भी मेरे स्कूल के फंक्शन की पिक है जहाँ हमने लोकगीत गाया था। मैं आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि चुप हो जाओ, हमें वीडियो शांति से देखने दो, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने यूज़ किया है मटेरियल से मैंने वही एक्सप्लेन किया है, बाकी आप लोग आराम से देखें। मेरी क्लास टीचर हैं, मेरी प्रिंसिपल थी, मेरे फेयरवेल की पिक है। ये एक मैंने कार्ड बनाया है जो ओपन होने पे मेरी फैमिली इसके अंदर पूरी पापा मम्मा भाई मैं और यहाँ चारों तरफ मैंने अपनी पिक्स लगाई हैं। इस पे मैंने लिखा है माय फैमिली। मेरी एंगेजमेंट पिक है। मेरी लगन की है इनकी। गौर पूजा ये भी
स्टेंसिल है, ये मैंने उसके लिए है शादी के कार्ड से। ये भी स्टेंसिल है, 3D में है ये थोड़े, ये भी मैंने उसी से लिए हैं। मैंने ये रिबन से सबको अटैच कर दिया है। अगर आपको मेरी ये हैंडमेड बनाई एल्बम पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिएगा।